हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जिसको आप मिलना चाहते थे हमेशा से, आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे बार बार कहा, पिछली बार जब आपने भाभी जी घर के कास्ट के जो इंटरव्यू देखे उसके बाद, तो आज वो मेरे साथ हैं, आप सबके फेवरेट सक्सेना साहब, सानंद जी। सानंद जी, वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। थैंक यू सर। ये जो करेक्टर है सक्सेना, इसने जो बच्चों को एक डायलॉग रटा दिया है, आई लाइक इट, अब लोगों को सजा भी सजा नहीं लगती है। मैंने कहा था कि किसी महिला को भेजो, पर उन्होंने महिला जयवर्धन को भेज दिया। सक्सेना जी, मेरा ऑलरेडी भेजा बहुत फ्राई हो रखा है, थोड़ा मजाक उन्हें पास रखिए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तो उठा दे बे। आई लाइक इट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कमाल पॉजिटिव एनर्जी का है। हम हमेशा जब भी कोई काम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, अच्छी फीलिंग के साथ करते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। और ये जो कैरेक्टर है सक्सेना का, ये हर मुसीबत में भी बहुत मज़े में रहता है। मुसीबत की घड़ी में भी ये हंसता है और हंसाता है और कहता है कि हर मुसीबत से हंसते हंसते लड़ना चाहिए, तो हर मुसीबत जो है वो मज़ेदार बन जाती है, हर तकलीफ़ जो है उसको आराम से झेला जा सकता है। तो बच्चों को ये अच्छा लगा, न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास हमेशा बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है और सब लोग यही कहते हैं कि उनको बहुत मज़ा आता है जब मैं थप्पड़ खाता हूँ और आई लाइक इट बोलता हूँ। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़िंदगी आसान है नहीं। इस ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत संघर्ष होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, और इन तमाम संघर्षों के बावजूद अगर हम हिम्मत से काम लें तो हर मुराद पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। और यही इस कैरेक्टर का संदेश है कि आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप हिम्मत से काम लें, मुस्कुराएं, और ये तो रीति है, ये नियम है, ये दस्तूर है दुनिया का कि परेशानियां तो आएंगी, तो या तो आप रोते रहो और परेशानियों के सामने सर झुका दो, या आप हंसो मेरी तरह और बोलो आई लाइक इट, और आई लाइक इट बोलते हुए आगे बढ़ो और उस मुसीबत का सामना करो। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है इस कैरेक्टर का, जिसकी वजह से सब लोग इतना प्यार करते हैं। ओके, तो इस मैसेज को लाइक कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। आप तो मुसीबत मतलब पकड़ पकड़ के लाते हैं कि कोई आ जाए, लोग मुसीबत से भागते हैं और ये सक्सेना कैरेक्टर मुसीबत पकड़ पकड़ के लाता है। उसके बाद भी किरदार इतना अहम है कि जब भी चाहे मनमोहन तिवारी मुश्किलों में फंसे या विभूति, तो आपकी याद आती है, आप ही बचाते हो। हाँ, असल में चक्कर क्या है कि सिंपल सा फंडा है कि आप जिस चीज़ से दूर भागेंगे वो चीज़ आपके पीछे भागेगी। अच्छा। आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो आपको एहसास होगा कि जैसे ही आप किसी चीज़ से दूर भागना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे पीछे भाग रही है। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ से दूर भागने के बजाय आप उसके पीछे भागिए। ओके। तो वो जो है मज़ेदार भी हो जाएगी जर्नी, और वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि ना हो आपके साथ वो नहीं भी होगी। नहीं भी, आप उसको खदेड़ के भगा देंगे। हाँ, खदेड़ के भगा देंगे। तो मैं इसीलिए उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि लोग मुझे जितना, क्योंकि मेरा तो मुझे एक्चुअली भूख नहीं लगती है, मुझे शूक लगती है। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक शॉक जब मुझे मिलता है तो वो मेरा खाना है असली। तो मैं हमेशा पीछे पड़ा रहता हूँ, और मैं एक्चुअली सक्सेना जो कैरेक्टर है वो हर काम कर सकता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि आप कुछ भी बना सकते हो। वो राइटर भी है, वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो लॉयर भी है, तो वो बहुत सारे काम कर सकता है और बहुत जानकार है, बहुत पढ़ा लिखा है। और इस वजह से जितने भी
मॉडर्न कॉलोनी के लोग हैं, विभूति भैया से लेके तिवारी भैया तक, उन लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो सक्सेना से मदद मांगने आते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सक्सेना एक ऐसा बंदा है जिसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बस थप्पड़ मारो, खुश, कुछ नंगी तारों से झटके दिलवा दो तो वो काम कर देगा। ओके, तो इसीलिए पूरा मोहल्ला मेरे पीछे आता है। देखिए, आप लोगों ने इनको हमेशा ना आपको हंसाते रहते हैं, लेकिन अभी आप जब सुन रहे हैं तो कितनी संजीदा बात कर रहे हैं, बड़े संजीदगी वाले स्टाइल में भी बात कर रहे हैं। क्या आप रियल लाइफ में भी इतने संजीदा? मैं असल में बहुत सारे मेरे रंग हैं। मेरा मानना है कि जीवन को कभी भी मोनोटोनस नहीं होने देना चाहिए, हमेशा आपको बहुत भांति भांति के वेरिएशंस, हाँ वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। और मेरा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है इसमें भी बहुत वेरिएशंस हैं, मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मैं बड़ा मूडी आदमी हूँ। तो अभी मैं अगर आपको गंभीर लग रहा हूँ तो हो सकता है अगला इंटरव्यू जब आप लेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा आपको जोकर लगूंगा। ओके, तो इसलिए मेरा कोई एक्चुअली फिक्स है नहीं। मुझे सब लोग वैसे भी कहते हैं कि बड़ा मिस्टीरियस आदमी है, तो मैं अपनी मिस्टीरियस छवि से खुश हूँ। प्रकृति का नियम है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपको ये लगा था कि ये एक करेक्टर जो छोटा सा है, कभी कभी एंट्री मारता, वो इतना ज़्यादा चिपक जाएगा लोगों के जहन से, तब एहसास हुआ था? मुझे एक्चुअली इतना एहसास नहीं था कि ये इतना बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर साबित होगा। एक्चुअली मुझे क्या, किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा शो भाभी जी घर पर हैं इतना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। शो तो हर हफ्ते एक नया शो आता है, तो हमारा शो जो है वो ऑल टाइम बेस्ट कॉमिक सीरीज़ की रेटिंग भी इसको मिली हुई है, इतना पसंद करते हैं लोग भाभी जी घर पर हैं को। तो हमारा शो अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुल हुआ है, और मेरा कैरेक्टर मैंने कतई नहीं सोचा था कि ये एक इनकलाबी कैरेक्टर साबित होगा। कि स्कूल में बच्चे जब पहले थप्पड़ खाते थे तो वो रोते थे, बाद में वो थप्पड़ खा के आई लाइक इट बोलने लगे, उससे आपस की जेब भी बच गई। हाँ, आपस की जेब भी बच गई और लोगों को मैंने थप्पड़ खाना सिखा दिया कि थप्पड़ खा के कैसे मज़े कर सकते हैं। तो नहीं सोचा था मैंने कि इतना ज़्यादा प्यार करेंगे लोग इस कैरेक्टर को। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और मैं प्रभु का आभारी हूँ, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझको इतना प्यार करते हैं। तो करेक्टर भले ही छोटा हो, लेकिन अगर शिद्दत से किया जाए, अभी तक आप लोग देखते थे जब भी विजुअल मीडिया में कोई मार खाता था तो पब्लिक उससे नफरत करती थी, ये पहला किरदार है जो मार खाता है और पब्लिक को अच्छा लगता है। इधर स्क्रीन पे ये बोलते हैं आई लाइक इट, उधर स्क्रीन के बाहर भी लोग बोल रहे होते हैं आई लाइक इट। आपने एक्टर बनने का कब सोचा सर? मैं बचपन से ही अपने आप को एक्टर मानता था, मैं बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जब से मैंने होश संभाला तब से मुझको ये महसूस हुआ कि मैं एक अभिनेता हूँ। ओके, और अभिनेता के अलावा सिंगिंग भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो गाना भी गाता हूँ मैं, और अभिनय और गायन, एक्टिंग और सिंगिंग, ये दोनों चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, ये दोनों चीज़ मेरा पैशन है। मैं पहले देवानंद का बड़ा फ़ैन था, तो मैं ऊपर तक का बटन बंद करके और देवानंद के स्टाइल में ही चलता था, लोग बोलते थे पागल है ये कैसा है, हैं, लेकिन मैं अपनी धुन में रहता था। मेरे मन में यही था कि भगवान मुझे एक्टर बना दो। आपके मन में तो था, लेकिन जब ये मन की बात बाहर आई घर पर तो क्या रिएक्शन था? मेरा एक्चुअली मेरे पिताजी बड़े बहुत सपोर्टिव थे, उनको ये लगता था कि मैं बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ, और वो खुद एक बड़े अच्छे राइटर थे। अच्छा, बहुत अच्छे लिटरेरी फिगर थे, वो साहित्यकार थे, कविता लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत इनकरेज किया, और घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला मुझे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मुझे इतना प्यार करता है और मेरे हर फैसले के पीछे खड़ा रहता है। ग्रेट, तो आप हैं कहाँ से सारंग जी? मैं हिंदुस्तान से हूँ।
ओके और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो प्रांतवाद है वो ख़त्म हो. ग्रेट. मैं बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करता, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब. तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पटना की पैदाइश हूँ, पटना बिहार, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और दिल्ली में मेरी परवरिश हुई है. ये जो प्रांतवाद है, जो स्टेट और ये सब, इस पे विश्वास करना कम करिए. अपनी धारणा, अपना विचार, अपना सिद्धांत जो है उसको ऐसा बनाइए कि पूरा देश एक है, तब जाके हम एक देश होकर किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं. खासतौर पे आज की तारीख में तो आपको पता है कि हमारा देश कितना परेशान है अलग अलग कारणों से, खासतौर पे आतंकवाद. तो हमको चाहिए कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठें, हम उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ऊपर उठें और भारत के बारे में सोचें. ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. आपकी मन की बात आपके घर वालों को समझ में आ गई, उन्होंने भी मान लिया, लेकिन जब आप मुंबई में आए एक्टर बनने के लिए तो ये बात इतनी आसान थी यहाँ पर एक्टर बनना? मुंबई में असल में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष है, ये सच बात है. और मेरा ये मानना है कि कोई भी काम बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के होता नहीं है. पहला मौका कब मिला था आपको सनम जी? मुझे पहला मौका तो एक एड में मिला था, जो कि मैंने टेलीविज़न में आने से पहले मैंने 250 एड फिल्में की थी. 250? जी हाँ. और बहुत सारी एड फिल्मों में मेरा बहुत नाम हुआ था, जैसे कि आइडिया का एक ऐड था जिसमें अभिषेक बच्चन पेड़ बने हुए हैं और मैं वुड कटर बना हुआ हूँ. मेरा वो डायलॉग बड़ा हिट हुआ था, आइडिया सर जी आप कौन से पेड़ हो, प्री पेड़ हो के पोस्ट पेड़ हो? आप कौन से पेड़ हो, प्री पेड़ हो के पोस्ट पेड़ हो? वो बहुत सुपर हिट हुआ था. तो एडवर्टाइजमेंट में मैंने बहुत काम किया और एड की वजह से मुझे फिल्म मिली मर्दानी, जिसमें प्रदीप सरकार ने मुझे कास्ट किया. वो बहुत उनके साथ मैंने 6-7 एड फिल्में की थी. उन्होंने मुझे कास्ट किया मर्दानी में, जिसमें कि रानी मुखर्जी थी और वो फिल्म भी बड़ी अच्छी हिट हुई थी. तो इस ढंग से मौका मिला. अमित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अभी बधाई हो जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट की है, उसमें अमित शर्मा के साथ मैंने बहुत ऐड फिल्में की और उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मौके दिए ऐड फिल्म करने के. उसके बाद तो फिर शोज़ भी मैं करता रहा, फिर FIR किया, भाभी जी किया, क्योंकि FIR के ही डायरेक्टर हैं जो कि भाभी जी भी करते हैं. तो फिर इनके साथ मैंने भाभी जी किया, अभी फिल्में की हैं मैंने, पटाखा की, विशाल भारद्वाज की जिसमें मेरा लीडिंग कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा है. अभी एक वेब सीरीज भी किया है अपहरण, ओके, जो कि ऑल्ट बालाजी पे है. और अभी सेक्रेट गेम season 2 भी किया है, वो भी नेटफ्लिक्स पे आएगा. कब आएगा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स ही करेगा, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरा पैरेलल रोल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, बड़ा अच्छा रोल है. तो जर्नी है और इसमें बस मज़े लेते रहना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस अपने आप को तैयार करते रहिए और काम करते रहिए. वेरी गुड. तो इतने सारे काम कर लिए इन्होंने, नेटफ्लिक्स पे भी कर रहे हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, टीवी पे भी है, फिल्मों पे भी हैं. और आपने बताया सारंग जी कि आप गाना भी गाते हैं, तो आपके ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए एक गाना. भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए ही सब कुछ है. क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड. इस पर दर्शकों ने जरूर बोला होगा आई लाइक इट. थैंक यू सानंद जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम. तो ये थे सानंद जी.
जिनको आप सक्सेना के रूप में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इन्होंने बताया कितने सारे काम किए, लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आई। पहली बात ये कि अगर आपके मन को जो अच्छा लगता है वही करेंगे तो आप खुश भी रह पाएंगे और ज़्यादा देर तक काम भी कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जब भी कहें तो कहें कि मैं इंडिया से हूँ। ये बात मुझे दिल से बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब ऐसा हर हिंदुस्तानी सोच लेगा तो अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब अपने आप एक हो जाएंगे। दूसरी बात, बदलाव बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बदलते रहना, वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इन्हीं चीज़ों को अपनाइए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।